हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका ज़ायका प्यार का में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बासुंदी, वो भी शरीफे की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शरीफे की बासुंदी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी शरीफे की। तो चलिए सबसे पहले शरीफे के बीजों को निकाल के अलग कर लेते हैं। ये शरीफा है, ये बिल्कुल पका हुआ है। देखिए ऐसे पार्ट्स में हो जा रहा है। ये बहुत ही मीठा होता है, तो इसमें बासुंदी में आप चीनी थोड़ी कम ही डालें। अब हम लेंगे एक बाउल में लगाएंगे छन्नी और इसमें डालेंगे ये अपना शरीफा। इस तरह से हमने सारे पल्प निकाल लिया है सभी शरीफों का। और हम चलनी में इस तरह से चम्मच से दबा के सारा पल्प और शीट दोनों को अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, बासुंदी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले शरीफे का पल्प जो हमने निकाल लिया है, जिसका प्रोसेस मैंने आपको दिखाया निकालने का। और दूध आधा लीटर लिया है मैंने, चीनी 1/4 कप ली है और 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे बादाम और मगज लिया है मैंने। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दूध को हमने गैस पे रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसको बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉईल हो गया है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ऐसे ही धीमी आंच पर 10-12 मिनट और पकाएंगे। फ्रेंड्स, पैन में हमने घी ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। इन्हें सॉटे कर लेंगे हल्का सा। बस इतना ही करना था। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें दूध में डालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और इसमें डालेंगे ये मिल्क पाउडर, ये 1/2 कप था। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। फ्रेंड्स जो दूध और मेवे को हमने गर्म किया था, खौलाया था, वो ठंडा हो गया है। अब हम बासुंदी बनाने का आगे का प्रोसेस करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आ जाने के बाद ही हम इसमें शरीफे का पल्प डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, शरीफे के पल्प को और दूध, मेवे, चीनी, मिल्क पाउडर का मिक्सचर जो बॉईल करके बनाया था हमने उसको। अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स हमारी शरीफे की बासुंदी बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत टेस्टी बनती है, तो इस बार जरूर बनाएं। इस सीजन में कम ही मिल पाता है, लेकिन 1-2 हफ्ते के लिए ही इसका फ्रूट आप मिलता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है, तो आप इस बार जरूर बना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।